लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हाथी किधर जा रहा है? ये देखो, डुब टक डुब टक डुब टक डुब टक डुब टक डुब। ये देखो, एक बार हाथी ऐसा दौड़ा कि अगर अरे जमीला, नहीं बेटा ऐसा नहीं करो। वो है ना छोटी माँ, है अपने बच्चों के लिए खाना लेके जा रही है। अगर छोटी माँ मर जाएगी तो उसके बच्चे तो भूखे मर जाएंगे ना, इसलिए ऐसा मत करो, जाने दो। अरे ये देखो तो, अरे जमीला 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 जमीला, रोते नहीं बेटा, रोते नहीं बेटा, रोते नहीं। ये लो, ये अच्छा, इसके साथ खेल। इसमें रोने की क्या बात है जमीला, मैं हूं ना तुम्हारे पास। ये सारे खिलौने, ये बंदर के। अच्छा देखो देखो, अगर चूटी माँ मर जाती तो चूटी के बच्चे क्या खाते, ये बालू के साथ गब्बा। अरे तभी उस गवैये की कैसेट लगाओ, तभी छोटे सपने हो, सपने वो अपने हो, तो यारो क्या बात है, दिल में उजाला हो, खुद को संभाला हो, तो यारो क्या बात है। गाने वाले के बारे में क्या हुआ? जी हाँ जनाब, उसका गाना तो दिल्ली टीवी सेंटर में रिकॉर्ड किया गया था, हमने खोज लगाई है, वहाँ पे वो काम नहीं करता। एक बात समझ लो, दो दिन की मोहलत में देता हूँ, ढूंढो उस कवैये को, नहीं तो तुम सब गाओगे तब तक जब तक जमीला के होठों पर हंसी ना आ जाए। जाओ। जी सपने हो, सपने वो अपने हो, छोटे छोटे सपने हो, सपने वो अपने हो, तो यारो क्या बात है, दिल में उजाला हो, खुद को संभाला हो, तो यारो क्या बात है।
यारो क्या बात है। वैसे आपका क्या अरमान है? वो ऐसा है जी कि हमने अपने आप से वादा किया है कि ब्याह से पहले एक बार जू भी जरूर देखेंगे। हाँ क्या मालूम वो हमें जू भी दिखाएगा या नहीं है। वो कौन? वो उनका नाम ना ला सके हम। हमने तो ने देखा भी नहीं आज तक, फोटो भी नहीं देखी। हाँ तुम गए हो राजस्थान कभी? नहीं, नहीं तो। नहीं गए? अच्छा, हमारी जी राजस्थान में चार हवेलियां पड़ती हैं। एक पड़ती है जी शेखावटी में। अच्छा। एक हो गई जयपुर में। एक हुई जोधपुर और एक माउंट आबू। तुम्हें मालूम है वो हमें कहाँ रखेगा? नहीं, मुझे नहीं मालूम। मुझे भी नहीं मालूम। देखो जी हमारे बारे में तो तुमने इतना कुछ जान लिया, हमें बता नहीं तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम है अमर। अमर बाबू, अमर बाबू, जब आप आओगे ना ब्याह में राजस्थान हमारे, तो आपको हम अपनी सारी हवेलियों की सैर कराएंगे। हाँ मगर आप अपने उनको क्या बताएंगी कि मैं कौन हूँ? अरे जब हम ही नहीं जानते कि आप कौन हो, क्या करते हो, तो उन्हें क्या बताएंगे हैं? मैं एक्टर हूँ और फिल्मों में काम ढूंढने आया हूँ। वो तो जी हम आपकी सूरत देख के जान गए थे।
हीरा लगता है हीरो। मेरा स्टॉप तो आ गया, मैंने यही उतरना है। अच्छा ओके। बड़ी खुशी हुई जी आपसे मिलके, बात ना बड़ी अच्छी करते जी। शुक्रिया, मुझे भी खुशी हुई। ओ अमर साहब, अमर साहब कट्टा जी फिर मिलेंगे। ओके ओके। मस्तर राम जी साहब, जब मैं बोलूं चाय ले आओ तो चाय ले आने का, जब मैं बोलूं चाय जल्दी ले आओ तो गायब हो जाने का, क्या समझे? जी गायब हो जाने का। मे आई कम इन प्लीज? अरे हीरो आओ आओ भाई आओ आओ। मस्त राम जी चाय जल्दी ले आओ। बिल्कुल। अरे खड़े क्यों हो, बैठो ना अमर, बैठो। थैंक यू सर जी। आपने कहा था 6 महीने बाद आना, मुझे आने में देर तो नहीं हुई? अरे अमर तुम एकदम टाइम पर आए हो। अब मैं जिस कहानी पर फिल्म बनाने जा रहा हूँ ना, उसमें तुम एकदम फिट होते हो। बस यूं समझो कि तुम्हारे स्ट्रगल के दिन खत्म हो गए हैं। क्या आप सच कह रहे हैं? 100% सच। बस ये बताओ कि तुम्हारे ऑपोजिट हीरोइन किसको ले? शाह साहब जिसको चाहे ले ले, मैं कौन होता हूँ? अरे भाई तुम हमारे हीरो हो। हाँ तुम्हारे सामने हीरोइन तो कोई बड़ी ही लेनी पड़ेगी, लेकिन तुम बीच में कोई गड़बड़ मत कर देना। जी गड़बड़ कैसी? अरे भैया आजकल सीरियल्स की भरमार चल रही है, जिसको देखो सीरियल में काम कर रहा है। कहीं तुमने ऐसा कर लिया तो मेरी तो करोड़ों की फिल्म मिट्टी हो जाएगी। शाह साहब मेरा सीरियल में काम करने का ना इरादा है ना ही कभी होगा। तो फिर तय हो गया, तुम हमारी फिल्म में काम कर रहे हो। तुम कुछ फाइनेंस का इंतजाम कर लोगे ना? फाइनेंस? ज्यादा नहीं, 25-30 लाख रुपया, बाकी का चक्कर मैं चला लूंगा। आप तो मजाक करते हैं, मेरे पास इतना पैसा होता तो क्या मैं बसों में धक्के खाता फिरता? अपने पास ना सही, अपने किसी यार दोस्त से ले लो और फिर 6 महीने साल भर की तो बात है, उसके बाद तो तुम करोड़ों में खेलोगे। दे मारना उसके मुंह पर। जी मुश्किल, चलता हूं। अरे चाय तो पीते जाओ। अरे मस्तराम कहां मर गया, मैंने तुमसे चाय जल्दी लाने को कहा था। नैनीताल से खत आया है मुराद के कालिद से, बताते हैं कि वो खेल कूद में बहुत तेज है, हाँ पढ़ाई लिखाई में कुछ कमजोर है, खासकर हिसाब में। कोई हैरानी नहीं, हम बलोच हिसाब किताब में हमेशा कच्चे रहे। लो लड़की लोग अकेला अंदर अलाउड नहीं है। सलाम साहब। सलाम साहब। एक्सक्यूज मी। यस। क्या मैं आपके साथ अंदर जा सकती हूँ? आई एम सॉरी मेरे पास पैसे नहीं है। इट डजंट मैटर, लेट्स गो। थैंक यू। संजीव। हाय अमर, हाउ यू? नॉट बैड। यार कोई मुझे बताएगा उस लड़की ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया?
तुमने अभी यहाँ पे नया काम शुरू किया है, इसलिए यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस तुम नहीं जानते। इमोरल ट्रैफिकिंग इन वुमेन के कानून की रूह से इस बार में बहुत छापे पड़ चुके हैं। हाँ, और मैनेजमेंट ने रूल बनाया है कि यहाँ पे कोई भी लड़की अकेले एंट्री नहीं कर सकती। अच्छा, इसीलिए तो ये लड़कियाँ हमारी तुम्हारी मदद लेती हैं एंटर करने के लिए। और मर्द लोग, वो इनका प्यार खरीदते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए। जो प्यार खरीदा और बेचा जा सके उससे प्यास बुझती नहीं और भड़कती है। तुम जिस प्यार की बात कर रहे हो वो मिलता कहाँ है? उसे आंखों से नहीं, दिल से ढूंढा जाता है। Uli, uli, uli.
Your drink, Amar. Thank you, Rajit. Darling, मैं अभी आया. तुम शायद इस सोच में पड़े हो कि पहले मुझसे मिले हो या नहीं. मिले हैं क्या? जी नहीं अमर साहब. तो आपको मेरा नाम कैसे पता चला? क्योंकि तुमने शालू को अपना नाम बताया था. शालू जो राजस्थान से आई थी समंदर देखने शादी से पहले. और तुम? मैं भी शालू हूं जिसकी हर रात शादी होती है. शराब पीती है, सिगरेट पीती है और उस भोली भाली लड़की से बिल्कुल अलग है. तुम ये कह रही हो कि शालू नाम की दो लड़कियां? नहीं, मैं ये कह रही हूं कि ऐसी 10-12 शालू हैं और इनकी तादाद बढ़ने वाली है. मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा. फिल्में देखते हो? तुम्हारी फेवरेट फिल्म कौन सी है? देवदास. मैंने 16 बार देखी है और हर बार रोया हूं. जब तुम्हें मालूम है कि एक्टर एक्टिंग कर रहा है और हर चीज बनावटी है तो क्यों रोए? मुझे हर बार 2.5 घंटे के लिए हकीकत का गुमान हुआ. बस ऐसा ही होता है मेरे साथ. जब मैं अपनी ख्वाहिशों को अपने ऊपर ओढ़ लेती हूँ ना तो झूठ सच का रूप ले लेता है. उसमें मेरा विश्वास जाग उठता है. मैं उसके साथ हंसती हूँ, उसी के साथ रोती हूँ. झूठ नहीं बोला था मैंने तुमसे. इस तरह मुझे वो मिल जाता है जो मेरे नसीब में नहीं है. काश तुम्हारी तरह हम सब में सपने साकार करने की यह शक्ति होती तो जिंदगी खूबसूरत हो जाती. जिंदगी खूबसूरत है. जिंदगी खूबसूरत है. ये पल कौन खाएगा जमीला? आजा 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 जल्दी से मेरे हाथ से ले ले. आजा 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 जमीला आजा जमीला. मैं आऊं मिस शालू ये दवाइयां लेके दे रहा हूं इनको बाजार से खरीद लेना. मिस शालू वैसे मेरी एक बात मानेंगे आप? जी. शराब तुम्हारे लिए जहर है. तुम्हारा लीवर जवाब दे चुका है. पियोगी तो मर जाओगी. डॉक्टर साहब आपने तो उलझन में डाल दिया मुझे. शराब पीती हूं तो मरती हूं, नहीं पीती हूं तो भी मरती हूं भूख से. मैं समझा नहीं. ऐसा है डॉक्टर साहब कि जिस प्रोफेशन में मैं हूं उसमें मुझे अपने क्लाइंट्स के साथ शराब पीनी पड़ती है. ये कैसा प्रोफेशन है? आप जैसा? मेरे जैसा? हाँ. देखिए आप अपने क्लाइंट के शरीर का इलाज करते हैं और मैं जिन लोगों को अपने जीवन में सुख नहीं मिलता उन्हें सुख देती हूँ घरों के बाहर. आप हैं और मैं हूं. नाली पानी साहब. थैंक्स. चला. मेरी बात तो सुनिए, किधर लेके जा रहे हो?
पूछ सकता हूँ इस बदतमीजी से मुझे यहाँ लाने का मतलब क्या है? मेरे आदमियों ने तुम्हें बताया नहीं क्या? ये जानवर तो शायद इंसान की बोली बोलना नहीं जानते। आप ही बता दीजिए मेरा कसूर क्या है? कसूर नहीं, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की नजरे करम है, तुम्हारे गले में जादू है, इसलिए तुम्हें यहां पर गाने के लिए लाया गया है। मुझे इस तरह गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। फनकार बाजार में रखी कोई बिकाऊ चीज नहीं, जिसका जो चाहे दाम लगा ले। मैं जा रहा हूं। मेरी मर्जी से आए हो, मेरी ही मर्जी से जाओगे। छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। दरअसल मैं एक अनपढ़ जाहिल इंसान हूं। मैं नहीं जानता कि एक फनकार से गुफ्तगू कैसे करनी चाहिए। मैंने जिंदगी में कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है, सिर्फ छीना है, इसलिए मांगना नहीं जानता। लेकिन आज पहली बार एक बाप होने के नाते मैं तुम्हारे आगे हाथ फैला रहा हूं। दरअसल मेरी एक बेटी है, उसका नाम है जमीला। 8 बरस की है वो, लेकिन उसकी दिमागी हालत 1 बरस के बच्चे की है। शायद तुम्हारा साथ पाकर उसकी दिमागी हालत सुधर जाए। तुम बुरा मत मानो, लेकिन उसकी एवज में दुनिया की कोई भी खुशी जिसे पैसा खरीद सकता है तुम्हारी नजर कर सकता हूं। इसे एक बेबस बाप की पुकार समझना। कहाँ है आपकी बेटी? होता है जीवन कड़वी मीठी बातों से, शहर तो एक दिन होनी है, क्यों डरता है रातों से। जमीला, जमीला बेटी देखो तो कौन आया है। देखो, हाँ? तो यारो क्या बात है, दिल में उजाला हो, खुद को संभाला हो, तो यारो क्या बात। वो वाले अंकल, खूबसूरत है छोटे छोटे सपने। जमीला देखो, मैं असली हूं, वहां सिर्फ मेरी परछाई है। मैं हूं तुम्हारा अमर अंकल। देखो मुझे छू कर देखो, देखो देखो, छू के देख बेटा, छू के देख ना, मुझसे बात करो ना बेटा, बात कर। देख तू कितना रोती थी, मैं अमर अंकल को लेकर आया हूं तेरे लिए, बात कर। अगर तू मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं चला जाऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। हमारी बेटी की आंख में आंसू, हमारी बेटी जमीला रोने के लिए नहीं पैदा हुई, मुस्कुराने के लिए, हंसने के लिए इस दुनिया में आई है। जानती हो इस भरी पड़ी दुनिया में तुम जैसा दूसरा कोई नहीं।
भगवान की इस कायनात का केंद्र सिर्फ तुम हो और हर शय पे तुम्हारा हक है। के गिर जाते हैं ऋतुएं अपने भेष को बदले पत्ते सूख के गिर जाते हैं फिर से उन ऊंचे पेड़ों पे हरे हरे पत्ते आते हैं ये कुदरत के रंग नियारे तेरे लिए है गीत धुन सुर सरगम सब तेरे सब तेरे लिए है झूमती ये हवा दिल नशी रागिनी ये घटा ये फिजा चांद की चांदनी सब तेरे लिए है ओ गीत धुन सुर सरगम सब तेरे लिए है ये दुनिया ये गुल गुलशन सब तेरे Allah
कितना चैन कितना सुकून झलक रहा है इसके चेहरे से। यूं लगता है जैसे कोई नन्ना फरिश्ता सो रहा हो। इतना खुश मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। इतना खुश मैं भी पहले कभी नहीं हुआ। रहने वाली कहाँ की हो? गुड़दे मुंबई कर रहे हैं। पुंज जम्मी पल्ली पोस्ट ऑफिस मुलापुर जिला लुधियाना पंजाब। खाना बना लेती हो? और दसो केड़ी औरत खाना नहीं बना सकती, वो किस काम दी? मैं ते पंजाबी गुजराती चाइनीज कॉन्टिनेंटल सब किस्म का खाना बना लेनी है। हाँ अच्छा पगार क्या लोगी? पहले एक महीना काम करा के देख लो, फिर जो पगार तय करोगे मैं मंजूर होगी। ठीक है दौलत राम जी साहब इसे किचन दिखा दो। जी चलो। अच्छा जी आज शालू नजर नहीं आ रही। शालू? फिर किसी देवी देवता की आत्मा समा गई होगी उसमें। पैसे खत्म होंगे तो शराफत का भूत भी उतर जाएगा, लौट आएगी अपने धंधे पर। मुराद बेटे, पढ़ने लिखने से आदमी कायर बन जाता है। तेरे बाप दादा बहुत बहादुर थे, तुझे उन जैसा बनना है। अपने इन हाथों को फौलाद के हाथ बनाना है। मेरा भी आजकल पढ़ाई लिखाई में कहां मन लगता है मीजान। जब देखो प्रैक्टिस में लगा रहता हूं, चाहे वो बॉक्सिंग हो कराटे या कुंग-फू। तब तो तू मेरा कर्ज जरूर चुकाएगा। कर्ज? कैसा कर्ज मीजान? अभी नहीं, सही वक्त आने पर बताऊंगी। मुराद? अरे मुराद मियां कहां हो? अरे अरे शकीला अब तो इसे अपने हाथ से खाना खिलाना बंद कर। तेरा मुराद अब छोटा नहीं रहा, बड़ा हो गया है। बहुत जल्द अपने मामू जान की जगह संभालेगा, बलोचों का नाम रोशन करेगा। क्यों बेटा? अच्छा जल्दी कर, तेरी गाड़ी का वक्त हो गया, ड्राइवर इंतजार कर रहा है। अरे रफीक मियां चलता हूं। मुझे अपना ख्याल रखिएगा अम्मी। अल्लाह ने करवाना बेटे। देख रहा हूं अमर आजकल बहुत खिले खिले से रहते हो, कहीं दिल तो नहीं लगा लिया? हाँ लग तो गया है, मगर ऐसा नहीं जैसा आप समझते हैं। एक बच्ची है जमीला, लगता है पिछले जन्म में वो मेरी बेटी रही होगी। बिल्कुल अपनी सी लगती है, अपना समझती है। अच्छा किसकी बेटी है? आपने गुलबलोच का नाम तो सुना होगा। कौन? वो अंडरवर्ल्ड का डॉन? सुना है बहुत जालिम और खतरनाक है। मुझे तो बेचारा बहुत सीधा साधा सा लगता है। लेकिन आपने नहीं बताया कि आपकी सेहत का क्या राज है। घर के साथ साथ आप भी कुछ बदले बदले नजर आते हैं। यार एक नई नौकरानी मिल गई है, काम करते करते थकती ही नहीं। दौलत राम को तो बिल्कुल निकम्मा कर दिया है उसने, कमाल का खाना बनाती है। आज लंच करके ही जाओ। नहीं नहीं नहीं, लंच फिर किसी दिन। अच्छा ये बताइए चाय कैसी बनाती है? मुंबई में उससे बढ़िया चाय कोई नहीं बना सकता, पीकर देख लो। शालू अरे देखा कमाल कैसे चाय लेकर पहले से तैयार खड़ी है। शालू तुम जानते हो इसे? इसे नहीं, एक और लड़की है शालू नाम की, उसे जानता हूं। वो देखने में भी ऐसी है क्या? हाँ कुछ कुछ, मगर नसीब दोनों का अलग अलग है। मतलब? मतलब वो बहुत अमीर है, हवेलियां गाड़ियां हीरे जवाहरात से लदी हुई, उसकी तो सात पुश्तों को काम करने की जरूरत ही नहीं। अच्छा हाँ
वाकई ऐसी अच्छी चाय मैंने जिंदगी में नहीं पी। पता नहीं कितने दिन टिकेगी, लेकिन एक बात तय है, जिससे भी शादी करेगी उसकी जिंदगी स्वर्ग बना देगी। कुछ फूल रेगिस्तान में खिलकर ही मुरझा जाते हैं। ऐसा क्यों कहते हो? दीवान साहब, भगवान ऐसे फूल खिलाता ही क्यों है? भाई ये तो फूल को पूछना चाहिए भगवान से कि उसे रेगिस्तान में क्यों खिलाता है। ये भी पूछना चाहिए घर का चिराग महफिलों में क्यों जलता है। तुमने तो मुझे मार ही डाला था। मार डालती तो अच्छा होता, तोता चश्म कहीं के। एक ही शहर में हम दोनों रहते हैं और सालों साल मुलाकात नहीं होती। कम ऑन गेट इन। सॉरी किट्टू, मैं किसी काम से जा रहा था। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम मेरे साथ आ रहे हो, चलो। प्लीज किट्टू, फिर कभी सही। नथिंग डूइंग, इतनी मुश्किल से तो हाथ लगे हो। मैं कोई तीतर बटेर नहीं हूँ, इंसान हूँ। जो भी हो चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। बैठ जाओ, नहीं तो डैडी से कह दूंगी कि मेरी शादी से पहले तुम मुझसे इश्क करते थे। फिर तो बैठना ही पड़ेगा। अब आए ना रास्ते पे। तुम भी बस यार। प्रकाश देखो तो कौन आया है। भाई देखने में तो आदम का बेटा लगता है, लेकिन आंखें तोते की रखता है, अचानक फेर लेता है। देखूं भाई, मैं तो जौहरी हूं, हीरे परखना जानता हूं। किट्टू ये तो हीरा है। तुम मुझसे पूछते थे ना कि कभी किसी को मुझसे प्यार हुआ है या नहीं, तो ये हजरत हीरालाल मुझसे प्यार करते थे। इसमें अजीब बात क्या है, तुम हो इतनी प्यारी, तुम पर तो कई मरते होंगे। What is important is, तुम किससे प्यार करती थी? मैं भी इसी से प्यार करती थी। तो फिर तुम दोनों ने शादी क्यों नहीं की? क्योंकि ये मेरे डैडी के दोस्त हैं, और इनका ख्याल था कि मुझसे प्यार करके ये मेरे डैडी के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, यू नो, बैकस्टैबिंग। हिंदुस्तान में आज भी इस तरह के आदमी पाए जाते हैं क्या? So why didn't you do something about it? मैं क्या करती? इसका रेप कर देती। What? और फिर इस पर इल्जाम लगा देती कि इसने तुम्हारा रेप किया है। फिर तो हीरालाल जी को तुमसे शादी करनी ही पड़ती। देखिए, मेरा नाम हीरालाल नहीं, अमर है। और बाकी की जो प्रेम कहानी वाली बात है, किट्टू ने मुझे परेशान करने के लिए घड़ी है। रिलैक्स, तुम तो घबरा गए। कम ऑन, लेट्स हैव अ ड्रिंक, कम ऑन। जिन, क्या लोगे? रम भी है, वोडका भी है। एक्चुअली मैं सर, मैं बियर तो पी सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्या काम करते हो? जी गाते हैं और एक्टिंग करते हैं, मगर कोई मुझसे एक्टिंग करवाता ही नहीं। डायमंड बिजनेस में मिस्टर कोठारी मेरे पार्टनर हैं, वो फिल्में भी फाइनेंस करते हैं। अगर 30 दिन तक तुम मेरी खुशामद करो और रोज मेरे साथ ड्रिंक पियो, तो मैं तुम्हारी सिफारिश कर सकता हूँ। ठीक है? डे वन हो जाए। चीयर्स। चीयर्स। हे, व्हाट अबाउट मी? तुम जैसी लड़की को शराब नहीं पीनी चाहिए। हाँ, सिर्फ होंठों से लगानी चाहिए। Thank you.
गला सूख रहा है, एक नोट आंख मुझे भी मिलेगी। तो आते ही सबका मन मोह लिया है। लिया देखे साहब ही तो हैं कल्ले, तो फिर ये सब कौन है? सब मतलब आने जाने वाले मेहमान, सब बहुत तारीफ करते हैं तुम्हारी। और फिर मैं भी तो हूं, मेरा भी दिल तुमने मोह लिया है शालू। अच्छा, तो हल्ले तक तू दिल संभाल के रखिया सी हैं? अरे मैं तो बिक गया बिना मोल तोल के, समझी मेरी दानी? ओए, सब समझ दिया, चल पुटिया से चल। बीड़ी पीती है, शराब पीती है, अब ये सती सावित्री का नाटक छोड़। ओए, तू भी तो बीड़ी पीता है, शराब पीता है, तू की है अभी पीते। चल शालू, यह फिल्म भी जल्दी खत्म होगी। कौन सी फिल्म चंडी रानी? तू नहीं समझेगा। Cheers. फिल्म चाहे कितनी भी लंबी हो, उसे खत्म तो होना ही होता है। पर दीवान साहब तो अच्छे आदमी है, वो बहुत खुश थे और तुम भी खुश लगती थी। ये शो कुछ दिन आसानी से अच्छा चल सकता था। तुमने कभी ऐसे कोई गुलाब देखा है जिसके साथ कोई काटा ना हो? अच्छा, तुम्हारा अगला अवतार क्या होगा? अभी सोचा नहीं है, सोचूंगी तो बता दूंगी। वैसे तुम मेरी सोच में चुपके चुपके शामिल होने लगे हो। इस भरोसे के लिए शुक्रिया। जिस दिन तुम अपनी सोच मेरे साथ बांटने लगोगे ना, इस शुक्रिया की जरूरत न तुम्हें रहेगी ना मुझे। अच्छा चलती हूँ, बाय बाय। आंख और होंठ देखो, होंठ किधर? होंठ, ए हाँ, और नाक देखो, नाक नाक नाक, हाँ। अरे अमर अंकल आए हैं भाई, अमर अंकल, क्या हाल है भाई अमर? बिल्कुल खैरियत से हूँ। क्या बात है, जमीला की पढ़ाई का जिम्मा आपने ले लिया क्या? अरे भाई मैं जाहिल क्या पढ़ाऊंगा इसे, इसकी पढ़ाई के लिए मैंने एक मास्टरनी रखी, 6 महीने हो गए हैं, इसको 6 हर्फ नहीं सिखा पाई। ऐसा अगर लगा रहा तो अंग्रेजी का पूरा कायदा याद करने में इसको हयात लग जाएगी। अगर सबक को दिलचस्प बनाया जाए तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। लेकिन इस तरह के किसी मास्टर को जानते हो? मैं जानता तो हूँ, लेकिन शायद आप उसकी फीस नहीं दे पाएंगे। हाँ? क्या मांगता है वो? आपकी जान। मैं समझा नहीं। जमीला आपकी जान ही तो है। अच्छा, मैं भी तो जानू ऐसा कौन शख्स है जो मुझसे ज्यादा मेरी जमीला को पसंद करता है। भाई कम ज्यादा को तो मुझे मालूम नहीं, मगर बंदा आपके सामने है। तुम फीस मंजूर है? कौन है ये? ओ, तो मैं ऐसा नजर आता हूँ
मगर देखो आप ऐसी लगती है, देखो भाई बलोच साहब, आज से जमीला की पढ़ाई का जिम्मा मेरा इंशाल्लाह। मोर 5 6 7 8 चूहा आगे पीछे कैट 1 2 3 4 जंगल में नाचा मोर 5 6 7 8 चूहा आगे पीछे कैट रेट माने चूहा कैट माने बिल्ली चूहे मेरी पोत लिखाई सीधा पहुंचा दिल्ली 1 2 3 4 जंगल में नाचा मोर 5 6 7 8 चूहा आगे पीछे कैट बचा लो दिल्ली वालो मुझे बचा लो दिल्ली वालो बिल्ली को हथकड़ियां डालो बिल्ली मौसी आ जाएगी झट से मुझको खा जाएगी चूहे बिल्ली का ये खेल बिल्ली को तो हो गई जेल बोली मेरी मुनिया रानी कैसी लगी ये तुझे कहानी सलाम साहब। अरे क्या बात है, आज लाखन क्यों नहीं आया? ताऊ जी बीमार हैं, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। अच्छा जा। अच्छा सुनो, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय का से कछुआ और खा से नहीं पता खरगोश कछुए और खरगोश में एक दिन शर्त लगी कछुए और खरगोश में एक दिन शर्त लगी दोनों ने एक रेस की ठानी ये कहती थी मेरी नानी मटक मटक के खरगोश चला और धीरे धीरे कछुआ खरगोश निकल गया आगे और पीछे रह गया कछुआ दूर बहुत खरगोश पहुंचा इतने में फिर उसने सोचा कछुए से तो मैं आगे हूं क्यों ना थोड़ा सुस्ता लो ऐसी गहरी नींद बसोया नींद में पगला ऐसा खोया वो अभागा जब तक जागे निकल गया वो कछुआ आगे लाश उठाओ जाके पता करो किसकी कोताही की वजह से यहां तक पहुंचा है जाओ बेटा कुछ नहीं हुआ बेटा ये देखो
कुछ नहीं हुआ। ये देखो अंकल भी यहाँ पर हैं। भी यहाँ पर हूँ, कुछ नहीं हुआ। सब लोग यहाँ पर हैं, सब लोग यहाँ पर। आप तो इस तरह मुस्कुरा रहे हैं जैसे ये रोज की बात। भाई हमारे लिए ये रोजमर्रा की ही बात है। जिस तरह की जिंदगी हम जीते हैं उसमें मौत ऐसे ही अचानक आती है, इसलिए मौत से हम नहीं डरते। मौत से तो मैं भी नहीं डरता, लेकिन अपनी जिंदगी में पहली बार मौत इतनी करीब से देखी है, मैं तो दहल गया हूं। दहल तो मैं भी गया हूं, लेकिन वजह कोई और है। मेरी जान मेरी जमीला में कैद है, इसे कुछ हो गया तो। आप इस तरह की जिंदगी छोड़ भी तो सकते हैं। बहुत देर हो चुकी है अमर। शेर की सवारी करने वाला शेर से उतर जाए तो शेर उसे यकीनन खा जाएगा। मैं जानता हूं कि एक न एक दिन मैं ऐसी ही मौत मरूंगा, लेकिन एक ही फिक्र मुझे सताती है कि मेरे बाद जमीला का कौन ख्याल रखेगा। गुल बलोच साहब, जमीला मेरी बेटी जैसी नहीं, मेरी बेटी है। आज से मैं वादा करता हूं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक इसकी हिफाजत करूंगा। आफरीन, मेरी छाती पर पड़ा हुआ पत्थर हट गया। मेरे अल्लाह, ये जिंदगी तेरी अमानत है, इसे जब चाहे लौटा ले, मैं शिकायत नहीं करूंगा। हेलो। हेलो, मैं हीरा लाल जी से बात कर सकता हूँ? रॉन्ग नंबर। अरे फोन बंद कर दिया। एक बार और करो। हेलो, क्या मैं तोता चश्म से बात कर सकता हूँ? रॉन्ग नंबर। हेलो। अरे अब फोन मत रखना, मैं प्रकाश बोल रहा हूं। प्रकाश, गुड मॉर्निंग सर। कैसे याद किया सवेरे सवेरे? हाँ, क्यों अपना वादा भूल गए? रोज शाम को मेरे साथ ड्रिंक लेनी है, फुल 30 डेज विदाउट फेल, एक दिन ज्यादा ना एक दिन कम। और मस्का भी लगाना है। मस्का? भाई मस्का कमाने के लिए मुझे बार में नौकरी करनी पड़ती है हर रात। तुम कहो तो दिन में ड्रिंक पे साथ दे सकता हूँ। दिन में? अगर हम दोनों ने दिन में पीना शुरू किया ना तो किट्टू हम दोनों को घर से बाहर निकाल देगी। लेकिन आज तुम छुट्टी ले लो भाई। क्यों, कोई खास बात है? खास बात तो है, तुम्हें मिस्टर कोठारी से मिलाना है, और किट्टू ने कहा कि आज रात का खाना वो खुद बनाएगी, और खाना अच्छा है बुरा आदमी चाहिए ना तारीफ करने के लिए। अच्छा, मिलते हैं आज शाम को। ओके बाय। ओके बाय। थैंक यू। कोठारी, या थैंक्स। अमर एक अच्छा सिंगर है, अच्छा एक्टर है, व्हाट इज मोर, अच्छा दोस्त है, अच्छा इंसान है। मेरे घर की रौनक, मेरे कारोबार की कामयाबी, सब इसी की देन है। मैं चाहता हूं कि इसका फिल्म करियर आप ही से शुरू किया जाए। प्रकाश, तुम्हारा फैसला मेरे लिए फरमान का दर्जा रखता है। You know it? मेरी 2-3 फिल्में नियर कंप्लीशन हैं। जैसे ही पैसा छुट्टा होता है उसके बाद अमर के लिए एक म्यूजिकल शुरू कर देते। थैंक यू। Hey, cheers to that. Cheers. Wonderful, cheers. Thank you. Cheers to the future star. Cheers. Thank you, sir. Thank you very much. Kothari, okay, thanks. Okay. That was great. बाय शालू। बाय बाय। सी यू। हाय शालू, आज अकेली हो, कोई साथी नहीं मिला?
जो साथ दे दे वही साथी बन जाता है। एक ड्रिंक लोगे? नहीं, आई डोंट थिंक सो। कभी कभी तो पी लेते हो? हाँ, कभी कभी। अच्छा, मुझे शायद इसलिए इनकार कर रहे हो क्योंकि मेरी कमाई हराम की है। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन अगर तुम ऐसा समझती हो कि मैं ऐसा सोचता हूं तो मैं एक ड्रिंक जरूर लूंगा। और अजीत, यस, वन वोडका विद ऑरेंज जूस। ओके, शालू के अकाउंट में। योर ड्रिंक। मैं एक ड्रिंक और पी सकता हूं? श्योर। तुम भी कभी सपने देखते हो? आंखें हैं तो सपने भी देखेंगी। क्या है तुम्हारा सपना? मैं भीड़ से बहुत ऊपर उठना चाहता हूं, बहुत दौलत और शोहरत कमाना चाहता हूं, लेकिन ऑन माई टर्म्स। मेरा सपना है मैं एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार हूं। दुनिया के कोने कोने में मेरे फैंस हैं। जहां भी जाता हूं लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए मुझे घेर लेते हैं। 12 साल से दीवानों की तरह इस सपने का पीछा कर रहा हूं। मैं जानता हूं मेरा सपना जरूर पूरा होगा, वैसे ही जैसे रात के बाद दिन निकलता है। मेरा सपना तो तुम्हारे सपने से बिल्कुल उल्टा है। क्या है आपका सपना? भीड़ में शामिल होना चाहती हूँ, एक मामूली पत्नी बनना चाहती हूँ, दूर किसी हिल स्टेशन पर मेरा एक छोटा सा घर है, जहां सवेरे पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ चांदी बनकर चमकती है और उसके पास से एक छोटी सी नदी गुजरती है। घर में मैं, मेरा पति और एक फूल सी बच्ची है। जानती हूं मेरे लिए ऐसा सपना देखना भी पागलपन है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। जैसे घर की कल्पना तुम कर रही हो वो तो मैं पीछे छोड़ आया हूं। दूर हिमाचल में मेरा गांव है और तुम्हारे सपने को तो चुटकी बजाकर साकार किया जा सकता है। बस इस नाटक में तुम्हें पत्नी का और मुझे पति का रोल करना होगा। तुम रोल करोगे? क्यों, तुम आए दिन कभी रानी बनती हो कभी भिखारन, तुम एक्टर होते हुए पति का रोल नहीं कर सकता? और फूल सी बच्ची है ना, जमीला। भाई अपनी बेटी तो कब से मैं तुम्हें सौंप चुका हूं, जहां मर्जी आए ले जाओ। वैसे अच्छा होगा, इस बहाने वो अपने नए घर को भी देख लेगी। एक तरह से आप जमीला मुझे सौंप रहे हैं। अच्छा होगा अगर आप मेरे बारे में भी कुछ जान ले। मैं जानता हूं तुम्हें। तुम सोना हो जी, क्योंकि हमारा अमर पारस पत्थर है, जिसे छू लेता है सोना बन जाता है। अच्छा अमर, मैं तुम्हारे सफर का इंतजाम करूं? नहीं, वो मैं कर लूंगा, हम कुछ दिन बाद लौटेंगे। आप इजाजत? इजाजत?
आओ बेटा, अपना ख्याल रखना। अच्छा। और इन लोगों को ज्यादा तंग मत करना मोहम्मद। हुकुम भाईजान। तुम साए की तरह लोगों के साथ रहोगे इनकी हिफाजत के लिए जी, लेकिन याद रखना इन्हें खबर नहीं होनी चाहिए। जी है भाईजान। जाओ, खुदा हाफिज। आ गया तुम्हारा काम। जी जल्दी करो। और चलो राजू, आ निकाल ले चल। चाचा आपके तो सेब को पाला मार गया। अगले साल सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा चाचा, मौसम बदलता जा रहा है। कैसे हो मौसी? राम राम। राम राम। अरे हमारा अमर ठीक हो? अरे अमर कैसा है तू? कैसा है यार? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। चाचा जी पाए लागू। जीते रहो बेटा। बैठो बेटा बैठ। लाओ दे दो। क्या रे अमर, बहुत बहुत सुंदर है। एक बात बताओ यार अमर, पूरी दुनिया के लोग इन पहाड़ों में रहने आते हैं, तू अपना घर बार खेती बाड़ी छोड़कर मुंबई की गर्मी में क्यों सड़ रहा है? मेरे मन की मुराद तो वहीं पूरी हो सकती है, और जिनको लगन लग जाए फिर गर्मी सर्दी कहाँ देखते। आओ बच्चों आओ, बहू इनकी नई नई शादी हुई है, इनको आशीर्वाद दो। जैसे भगवान ने तुम्हारी गोद हरी भरी की है, इनकी भी भरे। पहुंचो बच्चों। अरे कोई बात नहीं, ये लो इनको दे दो। अच्छा। ना नहीं करते, शगुन है, ले लो। चले शरु, चलो बेटा। अच्छा चाचा जीते रहो। सामान? ये सामान, सामान मैं ले आता हूँ। ओके ओके। चलो अब घर जाओ बच्चों। नो नो। यहाँ पे बैठ। अच्छा अमर। थैंक यू वेरी मच दिलीप। ये घर तो बिल्कुल वही है जैसा मैंने सोचा था। बहू तू भी बिल्कुल वही है जैसा मैंने सोचा था। पाए लागू मौसी। जुग जुग जियो बेटा। तू तो नहाओ, पूतो फलो, अब इस घर को आबाद रखना। मैंने तुम्हारी पसंद का खाना पका रखा है, मुंह हाथ धो के खा लो। न चिट्ठी लिखी न तार भेजी मौसी, तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं आ रहा हूँ? दिल को दिल से राह होती है बच्चा। बहू किसी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना, मैं सामने ही रहती हूँ। अच्छा तो तुमने सारे गांव को पहले से ही बता के रखा था कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ? हाँ? बताने की जरूरत क्या है, सब कुछ तो तुम्हारी मांग का सिंदूर बता रहा है। और रही सही कसर हमारी जमीला ने पूरी कर दी। क्यों जमीला, हम तुम्हारे मम्मी डैडी हैं या नहीं? शालू तुम सचमुच मुझे अपना पति समझ रही हो ना? समझ तो रही हूँ, पर कहीं ये भी जानती हूँ कि हो नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है ये सब कुछ सच है, पर शायद नींद में हो रहा है। जमीला सो गई, हम भी सो जाएं, बत्ती बुझा दो। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही?
शालू, हमारे पास कुछ ही तो देना। इन्हें जितना त्याग के गुजारें अच्छा है। सारी जिंदगी मैंने मर्दों की आंखों में झांका है। आंखों की भाषा अच्छी तरह समझती हूं मैं। क्या कह रही है मेरी आंखें? कुछ मांग रही है तो? तुम्हारी आंखें तुम्हारी सजनी से कुछ मांगती तो क्या पहली बार में ही हाँ कर देती? नहीं, वो ना कर देती। मेरी सजनी बहुत शर्मीली होती। मैं तुम्हारी सजनी हूं, मैं शर्मीली हूं और मैं ना कर रही हूं। सो जाओ।
करिए जमीला सो गई। अमर हमारे पास कुछ ही दिन बाकी हैं, उनमें जितना कम सोए अच्छा है। तुम दूसरे कमरे में जाओ, मैं जमीला को सुला के आती हूँ। सो मत जाना। तुम्हारी गांव की गोरी क्या कह के अपनी मर्जी बताती। चुप रह के thank you.
जमीला। क्या हुआ जमीला बेटे? क्या हुआ जमीला? क्या हुआ मेरी बच्ची को? जमीला? चुप हो जा बेटे, चुप। जमीला अपने प्यार का बंटवारा नहीं कर सकती। आप यहीं ठहरिए। जी साहब। जमीला। अरे कैसी है मेरी बेटी? मेरी याद आई तुझे? भाई मुझे तो बहुत याद आई तेरी। मेरी बेटी ने आप लोगों को तंग तो नहीं किया ना? नहीं नहीं। जमीला तो खुशबू है, जिस जगह जाती है महक उठती है। अमर साहब, ये है कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी जो आपके और मेरे बीच में होना है। मैं चाहता हूं कि आप इसे साइन करने से पहले पढ़ लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों से कहते फिरें कि मैंने आपको जिंदगी भर के लिए गुलाम बना लिया। आप मुझे जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा रहे हैं और मैं आपकी नीयत पर शक करूं? ये हो नहीं सकता सर। देखिए, मैं एक बिजनेसमैन हूं, फिल्मों में मेरा करोड़ों का सरमाया लगा है। मेरी कामयाबी का राज ये है कि मैं फिल्में अपनी सेहत के लिए बनाता हूं। और आपको भी मैं अपने फायदे के लिए साइन कर रहा हूं। मैंने तो अपने सेफगार्ड्स रख लिए, आप अपने सेफगार्ड्स देख लीजिए। आप मुझे मोटे तौर पर बता दीजिए इसमें लिखा क्या है। मैं आपको 3 फिल्मों के लिए हीरो साइन कर रहा हूं। पहली फिल्म में आपको मिलेंगे 10 लाख, दूसरी में 20 लाख और तीसरी में 30 लाख। और हाँ, 7 साल के लिए आपकी कमाई का 15% हिस्सा हमारा होगा। एक बात और, जब तक तीनों फिल्में बन नहीं जाती, आप किसी और फिल्म, टीवी सीरियल या म्यूजिक वीडियो में काम नहीं कर सकते। पेन दीजिए, मुझे मंजूर है। अमर साहब, बिना पढ़े साइन करना बहुत बड़ी गलती। अगर आप पर भरोसा करना गलती है तो मैं ये गुनाह 100 बार करने को तैयार हूं। ग्रेट अमर साहब, ये रहा आपका साइनिंग अमाउंट। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। कांग्रेट्स। थैंक यू प्रकाश। ऑल द बेस्ट। आज आप इनसे ताज में पार्टी ले सकते हैं। पार्टी तो अब हम देंगे। चीयर्स। शालू, जितने दिन भी हम हिमाचल में रहे तुमने शराब के कतरे को भी नहीं छुआ, और अब आते ही। वो एक और संसार था, एक और शालू थी, एक और तुम थे, एक और जन्म था। अब वो सब खत्म हो गया। अब वही पुरानी शालू, पुराने लोग, वही पुरानी जिंदगी। ए मिस्टर, मैंने इसे आज रात के लिए 5,000 रुपए दिए हैं। आप मेरा वक्त और रुपया दोनों बर्बाद कर रहे हैं। ये लीजिए 7,000 रुपए, किसी और लड़की को ढूंढ लीजिए, इसका लिवर खराब हो चुका है। She is not feeling well. चलो शालू। Okay. That's fine with me.
आज की रात तो खरीद ली, कल क्या करोगे? और अगले दिन और उसके अगले दिन? आने वाली सारी रातें खरीद लूंगा। तुम्हारे पास है इतना पैसा? आने वाला है, मेरा सपना साकार हो चला है। तुम मुझ जैसी लड़की पे क्यों बर्बाद करते हो? तुम्हें शराब से दूर रखने के लिए मैं बिकनी को भी तैयार हूं। तुम जानती हो शराब तुम्हारे लिए जहर है। जिंदगी भी मेरे लिए जहर ही है। ये अमृत भी बन सकती है। मुझे तरस की भीख में मिला हुआ अमृत नहीं चाहिए। ये अमृत तरस का नहीं, प्यार का है। पागल हो गई हो क्या? हाँ, पागल हो गया तुम्हारे प्यार में। प्यार करता हूं तुमसे, शादी करोगे मुझसे? बोलो शालू, शादी करोगे मुझसे? शालू बोलो, शालू कभी शराब को छुओगी भी नहीं। मेरे तोता चश्म, कैसे हो तुम? शालू ये किट्टू है। हाय किट्टू, ये शालू मेरी मंगेतर। चलो अच्छा हुआ तुमने अपने लिए खुद ही लड़की ढूंढ ली, मेरी मेहनत बच गई। शालू तुम कुछ देर यहाँ बैठो, मेरे पति अमर से कुछ बात करना चाहते हैं बिजनेस के बारे में। चलो प्रकाश तुम्हारी राह देख रहा है, चलो। कौन है ये लड़की, कहाँ मिल गई तुम्हें, कब से जानते हो जो शादी करने के लिए तैयार हो गए? इतने सवालों की टोकरी सामने रख दोगी तो जवाब नहीं दे पाऊंगा। ओके, कहाँ से उठा के लाई उसे? सड़क से। मतलब? स्ट्रीट वॉकर है ये, कॉल गर्ल, पतिता, यही उसकी पहचान है और यही उसका धंधा। मजाक कर रहे हो तुम? नहीं, मैं सीरियस हूं। उसका कोई सगा संबंधी है? अगर कोई है तो मैंने जाने की जरूरत नहीं समझी। तुम्हें कोई और लड़की नहीं मिली? बहुत मिली, मैं ऐसी कितनी शरीफ औरतों को जानता हूं जिनके ख्यालों में हर रात एक नया मर्द होता है, और ऐसी कितनी ही पतिताओं को भी जो हर रात एक नए मर्द के साथ होकर भी अनछुई हैं। तुम ही बताओ शादी के लिए कैसी लड़की ठीक रहेगी? मेरा फैसला सुन लो, तुम ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकते। मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा तो वह मर जाएगी। क्या मतलब? उसका जिगर खराब हो चुका है, शराब उसके लिए जहर है। मैं साथ होता हूं तो उसे शराब की तलब नहीं होती।
तुम्हें इसका यकीन है कि अगर तुम उसे मिल गए तो वो शराब नहीं पिएगी? हाँ। मतलब तुम उस पर तरस खा के शादी कर रहे हो? प्यार भी करता हूँ। कितनी औरतों से प्यार करते हो? तुमने मेरे साथ भी जीने मरने की कस्में खाई थी। कस्में हम दोनों ने खाई थी, लेकिन सच तो यह है कि आज मैं भी जिंदा हूं और तुम भी, प्रकाश से शादी करके। कच्ची उम्र में लड़के लड़कियां कितनी ही रोमांटिक किस्म की बकवास करते हैं, जिसका मतलब शायद वो खुद भी नहीं समझते। हाय, प्लीज बी कंफर्टेबल। थैंक यू। हाय 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 प्रकाश, कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक ठाक। बाहर एक बड़ी खूबसूरत लड़की बैठी हुई है। वो अमर की मंगेतर है। Oh, really? Congratulations. भाई, मुझे तुम्हारी मंगेतर बड़ी पसंद आई। She's a bloody whore. Could you mind your language? I'm sorry, अमर, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। किटू ने गाली नहीं दी, सच कहा है। What's going on? प्रकाश, तुम ही समझाओ ना इसे, मेरी तो मान नहीं रहा है। अगर इसका दिल ऐसी वैसी लड़की पे आ ही गया है तो शादी करने की क्या जरूरत है? ऐसे ही किटू, अब तुम अमर की इंसल्ट कर रही हो। वो क्या बच्चा है? अपना बुरा भला खुद समझता है। अगर कोई कीचड़ में गिर जाए तो उसका ये मतलब नहीं कि उसे सहारा नहीं दिया जाए, उसे उठाया नहीं जाए। अमर, मैं तुम्हारे साथ हूं। यू आर डूइंग द राइट थिंग, ओके? प्रकाश, अगर तुम भी इसे ठीक समझते हो तो ठीक है, कर ले उससे शादी। चलो। कम ऑन अमर। हाँ तो शालू, मैं ये कह रही थी कि शादी के लिए शादी के जोड़ों की और कुछ और चीजों की जरूरत पड़ेगी, और ये काम तो औरतों का है, ये मर्द तो कुछ नहीं समझते। तो तुम एक काम करना, कल ठीक 1 बजे अकेले आ जाना, हम दोनों बहनें साथ में शॉपिंग करेंगी और बाहर कुछ खा भी लेंगी। हाँ शालू, आप चलें। हाँ ओके, बाय 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 शालू, कल ठीक 1 बजे। हाँ ठीक है। चलो। अंदर क्या बातें हो रही थी? तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, तुम कौन हो, क्या करती हो। तुमने क्या कहा? मैंने सच सच बता दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई? नहीं तो बुरा लगा? अच्छा लगा। तुम पहले मर्द हो जो मुझे शर्म की चीज नहीं समझते। पहले ना मर्द मुझे स्वर्ग की सुंदरी कहते, मेरे पैर चाटते, लेकिन जब कोई पहचान वाला मिल जाता तो मेरे बारे में झूठ मूठ की बातें बनाने लगते। कहते कि मैं किसी ऊंचे घराने की शरीफ लड़की हूं। तुम पहले मर्द हो जिसने बुरी लड़की को बुरी लड़की कहा। तुम बुरी लड़की नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो। और अच्छी ही रहना। सर, अमर साहब, हमारे पंडित ने 11:30 बजे का मुहूर्त निकाला है। दिन में मुहूर्त, शाम को सेंटोर में पार्टी, और उसके बाद 15 दिन की लगातार शूटिंग। कुठारी साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं चाहता हूं कि हमारी फिल्म का मुहूर्त क्लैप एक स्पेशल चाइल्ड से दिलवाया जाए। यू मीन मेंटली रिटार्डेड? गुड आइडिया, गुड आइडिया, अच्छी खासी पब्लिसिटी रहेगी। अगर ऐसे बच्चों के साथ नॉर्मल बिहेव किया जाए तो मेरा ख्याल है ये भी समाज का एक खास अंग बन सकते हैं। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। थैंक यू सर। एनीवे, ये रहा कार्ड। थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर। ओ,
अच्छा सुनो, एक बजने वाला है, वो आती होंगी। आए तो उन्हें यहाँ बिठा देना, कहना मेम साहब नहा रही हैं, आधे घंटे में तैयार होंगी। ओके ओके मैडम। आइए। आप बैठिए, मेम साहब तैयार हो रही हैं, आधा घंटा लगेगा। अच्छा। गुड इवनिंग। हाय। हाय। तुम दोनों तो आज शॉपिंग पे जाने वाली थी ना? हाँ, तय तो यही हुआ था। तो शालू आई नहीं? आई तो थी, लेकिन इससे पहले कि मैं नहा के बाहर आती, वो विस्की की बोतल खाली करके जा चुकी थी। वैसे अमर, तुम तो कह रहे थे कि शालू ने तुमसे शादी करने के लिए शराब पीना छोड़ दिया है। शालू, वो तो आज यहाँ नहीं आई। कहाँ मिल सकती? भगवान जाने किस वक्त उसके दिल में क्या समाए और वो कहाँ चल दे। अरे, संन्यास लेने के लिए वो हिमालय पर्वत पर भी जा सकती है। किट्टू, वो शराब की बोतल टेबल पर आई कैसे? मैंने रखवाई थी। क्यों? अमर को ये बताने के लिए कि शालू ने शराब पीना नहीं छोड़ा है। तुम तो जानती हो कि शराब उसकी जान ले सकती। ऐसी औरतों का जीना क्या और मरना क्या। What? तुम कैसी औरत हो? बहुत बुरी।
उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि जो जगह अमर के दिल में मेरे लिए थी वो शालू जैसी लड़की को मिले। That's an insult. तुम क्या बेअमर से प्यार करती हो? तुम जानते हो और मेरा भगवान जानता है कि मेरे जीवन में तुम पहले और आखिरी मर्द हो। मैं तन की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे मन की पूछ रहा हूं। मन के अपने बस में होता है। तुम्हें ईमानदारी से बताओ, तुम्हारा मन क्या तुम्हारे बस में है? शायद हम सब मन के हाथों मजबूर हैं। अगर शालू को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा।
लड़की की किस्मत अच्छी है, ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन इसका लीवर बिल्कुल खराब हो चुका है। आपके रिश्ते में कुछ लगती है? जी नहीं। तो फिर मैं उसको डिस्चार्ज कर दूं या आप उसका इलाज करवाना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, इंसानियत का तकाजा है कि उसका इलाज करवाया जाए। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, आप उसका एज इंडोर पेशेंट इलाज कीजिए और जो भी बिल होगा मुझे भिजवा दीजिए। ठीक है, एज यू विश। मुराद, एक बात पूछो बेटा। पूछो अम्मी। क्या तुम भी मुझे बाकी सबके तरह पागल समझते हो? नहीं अम्मी, मैं जानता हूं तुमने बहुत दुख उठाए हैं, बहुत मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन तू चिंता मत कर, अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, मैं लौट आया हूं मां, अब मैं तेरे आराम का पूरा ख्याल रखूंगा। मुझे आराम तो तभी मिल सकता है जब मेरे सीने में 24 घंटे जलती हुई आग बुझ जाए। बोलो अम्मी, इस आग को बुझाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? तुम्हें उन बेरहम कसाईयों से टकराना होगा। लो, बहुत ताकतवर है। अम्मी, आपका ये बेटा किसी से कम नहीं, मैं अकेला हथियारों से लैस 100 जवानों से लड़ सकता हूं। ये जिस्म फौलाद का जिस्म बन चुका है अम्मी जान। लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं? अभी देखिए आप। अपने पाप के कातिलों से इंतकाम लेगा। ध्यान से सुन बेटा, तू बलोच नहीं, यूसुफ जई है। यूसुफ जई? लेकिन मुझे तो बताया गया था कि वो हमारी खानदानी दुश्मन है। सब बताती हूं, बात बहुत पुरानी है, जब तू पैदा भी नहीं हुआ था। मैं तेरे अप्पा गुल ने तेरे कबीले के हर मर्द को मार डाला, बस तू ही जिंदा बचा है। ये बात मैंने आज तक तुझसे इसलिए छुपाए रखी क्योंकि डरती थी वो लोग तुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है,
बेटे, तुझे तभी मेरे दूध का कर्ज माफ होगा जब तू गुल बलोच और जमीला बलोच को मार डालेगा। इंशाल्लाह आज उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आदाब मामूजान। हाँ, खुशामदीद बरखुरदार। कैसे हो? अम्मी से मिलिए। तबीयत कैसी है उनकी? बेहतर है। और अपने बारे में क्या सोचा? कॉलेज तो हो गया। वैसे मैं एक बात कहूं, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी ही गद्दी संभाल लो। उम्र बहुत हो गई है बेटा, और बलोचों को भी एक जवान रहनुमा की जरूरत है। या तुमने कुछ और सोचा है? सबसे पहले तो दुश्मनों का सफाया करने का सोचा है। ये तो अच्छी बात है मुराद। दुश्मनों से खबरदार रहना लंबी उम्र की जमानत है। मेरा पहला दुश्मन मेरे बाप का कातिल है। कौन? गुल बलोच। मुराद, क्या बकते हो? बक नहीं रहा हूं। तूने मेरे बाप को बचने का मौका नहीं दिया था गुल बलोच, लेकिन एक मौका मैं तुझे जरूर दूंगा। तुझ जैसे बुजदिल का काम तमाम करने के लिए मेरे खाली हाथ ही काफी हैं। यूसुफ सई के बीच तुझे जिंदा रखना ही मेरी गलती थी। इतने बरस मैं एक सपोलिया को पालता रहा। जा, जा, मेरी नजरों के सामने से हट जा। मेरी बहन के खातिर मैं एक मौका तुझे और देता हूं। जा, मेरी नजरों के सामने से हट जा। मेरा आखिरी वक्त आ गया गीदर, याद कर ले अपने पीरा मुर्शिद को। आखिर तेरे बाप का गंदा खून रंग लाया। शैतान की औलाद, आजा, भेजता हूं तुझे तेरे बाप के पास। अब तेरी जमीला की बारी है। हमला, हमला, हमला।
हड़ताल है या शराब पीना मना है, और तुम अपने लिए कोई दूसरी नौकरी ढूंढो। सिस्टर, सिस्टर प्लीज, सिस्टर, सिस्टर प्लीज। रेडी सर, रेडी। स्माइल। थैंक यू। हेलो, हाय, थैंक्स। लाइए। बारह साल की तपस्या का आज तुम्हें फल मिल रहा है, तुम खुश नहीं नजर आ रहे अमर। ये खुशी भी पूरी होगी होती प्रकाश, अगर आज शालू मेरे साथ होती। ना जाने कहां भटक रही होगी। जमीला बेटे, सामने देखो। हाँ, हीरो जरूर नया लिया है, पर फिल्म बड़ी बना रहा। 10 करोड़ का बजट है, इसीलिए इतनी बड़ी हीरोइन साइन की है। पूरी फिल्म म्यूजिकल है और हमारे गाने जो हैं। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी। श्योर सर। हाँ, कोठारी साहब, अचानक एक इमरजेंसी आन पड़ी है, मुझे अभी इसी वक्त बंबई छोड़ के जाना पड़ेगा। अमर, ऐसी क्या बात हो गई? एक खून हो गया है और जमीला की जान खतरे में है। ये लड़की रिश्ते में तुम्हारी क्या लगती है? कुछ भी नहीं और सब कुछ। ये बच्ची जिसका होना ना होना कोई मायने नहीं रखता, इसकी खातिर, इसकी खातिर तुम मेरा करोड़ों रुपए का नुकसान कर दोगे, ये सेट, आर्टिस्ट की डेट्स वेस्ट कर दोगे। खैर, मेरे नुकसान की छोड़ो, तुम अपने बारे में सोचो, अपने कैरियर के बारे में सोचो। अमर, ऐसा सुनहरी मौका लाखों करोड़ों में से एकाध को मिलता है, मुहूर्त होगा आज होगा, और उसके बाद लगातार 15 दिन शूटिंग, बस। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता। कोठारी साहब, मैं मजबूर हूं। पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? अगर तुम्हारा यही अनप्रोफेशनल एटीट्यूड रहा तो इस फिल्म इंडस्ट्री में तुम्हें कोई एक्स्ट्रा का काम भी नहीं देगा। याद है वो कॉन्ट्रैक्ट? याद है जो तुमने साइन किया था? तुम जिंदगी भर कैमरा फेस नहीं कर सकते। कोठारी साहब प्लीज, मैं इसे समझाती हूं। लक्ष्मी को ठोकर नहीं मारते। 12 साल तक तुम ठोकरें खाते फिर रहे थे, और आज जब तुम्हारा दिन आया तो तुम एक मेंटली रिटार्डेड लड़की के लिए सब कुछ छोड़कर जाना चाहते हो। अमर प्लीज, बंगला, गाड़ी, दौलत, शोहरत, फॉरेन कंट्रीज की सैर, भीड़ से ऊपर उठ जाओगे अमर। अमर, यू विल बी अ स्टार। प्लीज, प्रकाश, तुम क्या कहते हो?
किसी की मत सुनो, जो तुम्हारा जमीर कहता है बस उसकी सुनो। अमर, एक तरफ तुम्हारे अरमान है, सपने हैं और सालों की कड़ी मेहनत है, और दूसरी तरफ ये बच्ची। सोच लो, फैसला तुम्हारा है। अपनी गाड़ी से स्टेशन तक छोड़ देंगे। श्योर, ऑफ कोर्स, कम ऑन, लेट्स गो। छोटे छोटे सपने हो, सपने वो अपने हो, तो यारो क्या बात है, अपना